हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज आपके लिए मेरी वीडियो में ड्राई मंचूरियन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कद्दूकस करके कैबेज को रख ली हूँ। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा कैबेज अलग से ग्रेवी के लिए निकाल के रख ली हूँ, और फिर दो प्याज छोटे छोटे बारीक काट ली हूँ। फिर इसके बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, हमें यहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं किया हरी मिर्च, क्योंकि हमें ग्रेवी में हम सॉस डालेंगे, इसलिए हम एक ही मिर्ची इसमें डालेंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा निकाल के रख ली हूँ। इसमें हम ग्रेवी के लिए भी यूज़ करेंगे और बॉल बनाने के लिए भी। यह है कॉर्नफ्लावर, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे सोया सॉस लिए हैं, फिर ग्रीन चिली सॉस, फिर टमाटो सॉस और रेड चिली पाउडर, फिर इसके बाद विनेगर, ये सब हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमने कैबेज को इसमें नमक डाल के रखना है, जिससे कैबेज आसानी से पानी छोड़ दे। इसलिए हम थोड़ी देर इसे नमक डाल के ऐसे छोड़ के रख देंगे। अच्छे से हम कैबेज में मिला लेंगे नमक को, और इसे 5-10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ के रख देंगे। 5-10 मिनट बाद देखिए हमारा कैबेज इसमें कितना पानी निकलता है। देखिए, ये देखिए, इसी तरह हम सारे कैबेज को आसानी से इसमें पानी निकाल लेंगे। आप चाहे तो कपड़े में रख के पानी अब निकाल सकते हैं। हमने सारे कैबेज में से पानी निकाल के रख लिए हैं। अब इसमें हम अब प्याज को ऐड करेंगे, जो हमने काट के रखा था। फिर थोड़ा 1 छोटे चम्मच लहसुन को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा काली मिर्च और अदरक को भी ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद अब इसमें हम 1 चम्मच मैदा को ऐड करेंगे। इसमें हमें एक ही बार मैदे को ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर को भी ऐड करेंगे और सोया सॉस। आप चाहे तो इसमें चिली सॉस और टमाटर सॉस को भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड कर लेंगे। नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम नमक इसमें पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए हम इसमें नमक ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। और सोया सॉस में पहले से ही नमक काफ़ी होता है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड करेंगे, हमारा भी अच्छे से बॉल नहीं बन पाएगा इसमें, तो इसमें 1 चम्मच और मैदा हम ऐड कर देंगे। हमें इसमें ज़्यादा मैदा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा बॉल अजीब मैदे का ही टेस्ट आएगा। इन सबको अच्छे से मिला के हम एक बॉल रेडी करेंगे। देखिए हमारा बन के अब रेडी हो चुका है। अब इसका हम बॉल रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मैंने इतने बड़े बड़े बॉल बना के रेडी कर लिए, इसी तरह मैं सारे बॉल बना के रेडी कर लूँगी। देखिए आप चाहे तो छोटा बड़ा जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप बना सकते हैं। देखिए अब सारे बॉल बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम तेल गर्म करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल यूज़ किए हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम सारे बॉल को इसमें तल लेंगे। हमें आराम से तलना है, इसे ज़्यादा हाई या लो करके नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे तलना है अच्छे से। देखिए आराम से ये निकलते जा रहे हैं, ऐसा कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियो लाती रहूं। देखिए हमारे बॉल बन के रेडी हो चुके हैं। हमें इतना ही इसको तलना, इतना ही ब्राउन। अब हम उसी कढ़ाई में बनाएंगे, बस हल्का सा इसका तेल कम कर दिए हैं, और हमारा तेल पहले से ही बहुत गर्म है। अब इसमें हम अपनी लहसुन, अदरक, मिर्ची और प्याज को ऐड कर लेंगे। हमें इसे भूनना बिल्कुल नहीं, बस हल्का सा पकाना है। अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे ताकि ये जले ना। अब इसे हम थोड़ी देर भून लेते हैं। अब इसमें हम अपने जो कैबेज रखे थे उसको अब इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च और बीन्स, ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो सिंपल है, आपको मैं सिंपल भी बता रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें सिर्फ कैबेज ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम कैबेज ऐड कर देंगे, सो भी हमें अब इसके बाद मैंने इसमें एक टमाटर काट के डाली हूँ, जो ज़्यादा पका नहीं है, हल्का सा कच्चा ही है। उसे बीच के पार्ट को निकाल के सिर्फ साइड साइड के पार्ट को ही रखी हूँ। देखिए अब इसको भी हम जल ऐड कर लेंगे। इसको हमें पकाना बिल्कुल नहीं है। इस सबको अच्छे से हम मिला के अब इसमें हम अपने जितने सारे सॉस थे वो सबको इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें अपने सबसे पहले इसमें टमाटो सॉस ऐड किए हैं, फिर इसके बाद सोया सॉस, फिर इसके बाद हम ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। आप चाहे तो रेड चिली सॉस को भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो। अब इसको हम सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब सॉस को और प्याज को।
फिर इसमें हम पानी को भी ऐड करेंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि हम ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ही पानी को ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद इसमें काली मिर्च को ऐड कर देंगे। काली मिर्च भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है, इससे अलग ही टेस्ट आता है। फिर इसमें हम थोड़ा सा ही विनेगर ऐड करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा विनेगर नहीं डालना है क्योंकि सारे सॉस पहले से खट्टे होते हैं, इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा ही विनेगर ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम नमक एक बार चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगता है तब इसमें हम नमक डालेंगे, वरना नहीं, क्योंकि इसमें सॉस में भी नमक भी पहले से ही होता है, इसलिए हम नमक एक बार चेक करने के बाद ही डालेंगे। अगर आपको कम लगता है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम सारे बॉल को ऐड कर लेंगे जो हमने पहले से बना के रखे थे। फिर इसमें हम अपने घोल को डालेंगे जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर का बना के पहले से रखा हुआ था। देखिए इसके डालने के बाद देखिए कितना हमारा गाढ़ा ये हो गया है इसका ग्रेवी। और इसमें थोड़ा सा सोया सॉस को भी हम ऐड कर लेंगे जिससे इसमें और अच्छे से कलर आ जाएगा। देखिए हमारा ड्राई मंचूरियन बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही कम चीज़ों से बना हुआ है लेकिन टेस्ट में बिल्कुल कमी नहीं है। एक बार आप बनाइए और खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ड्राई मंचूरियन कैसा बना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारा ड्राई मंचूरियन बनके रेडी हो चुका है। आप इसे रोटी या नान या चाउमीन मैगी किसी के साथ भी खा सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।